प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की क्षति राष्ट्र की क्षति है, किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने फर्जी डिग्री बांटने के विषय में भी चर्चा की। कमल पटेल ने कहा कि किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है, क्योंकि वह अपने या अपने परिवार के लिए ही खेती नहीं करता, बल्कि वह समाज और देश के लिए भी खेती करता है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मैंने भी सभी संबंधित जिला कलेक्टरों और DDO कृषि को निर्देश दिए हैं कि वे एक एक किसानों के खेतों में जाकर फसल की क्षति का वीडियोग्राफी कर आकलन करें और शीघ्र रिपोर्ट भेजें, ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई RBC और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जा सके। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी, हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे DDOs को निर्देशित किया है कि एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम RBC 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि सरकार कृषि विषय को लेकर फर्जी डिग्री बांटने वाले निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रही है। इसके साथ ही सरकार नया कानून भी ला रही है। निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कृषि विषय को लेकर जो मापदंड केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से तय है, उसके हिसाब से निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को पालन करना होगा। पालन न करने की स्थिति में इन निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की मान्यता निरस्त की जाएगी। हम अभी अपने एक नया कानून बना रहे हैं जिसके तहत सारी सुविधाएं जिस विश्वविद्यालय को महाविद्यालय में होगी वो ही कृषि की डिग्री दे सकेगा। कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार में जो है उससे मान्यता लेना पड़ेगी, उसके अनुसार ही किया जाएगा। जो मर्जी दे रहे हैं उनको हमने चर्चा की है, लेकिन देखिए कृषि की पढ़ाई भी उच्च शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी दे सकता है, लेकिन जितनी मापदंड कृषि महाविद्यालय के कृषि अनुसंधान परिषद का है उसी के अनुसार होना चाहिए। ICAR के जो नियम है उसके अनुसार तो एक दो मान पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नहीं है कि जो मतलब अच्छी डिग्री ले रहे हैं, मतलब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए उसके लिए, और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।